तो फिल्मी गाने सीखने का शौक हर किसी को है। ज़्यादा नहीं सीखना है डिटेल में, अब थोड़ी एज हो गई मान लो किसी की, और वो कहता है कि हमें बस अपना फैमिली गैदरिंग्स में गाना आ जाए या छोटे मोटे फंक्शंस में आ जाए, या कोई घरेलू महिला है जो घर का ही काम करती हैं और घर में ही रहती हैं तो वो भी छोटी मोटी भजन संध्याओं में अपना गा लें और फैमिली फंक्शंस में गा लें, इतना ही सीखना है। भाई कई कई प्रकार के स्टूडेंट्स आते हैं हम लोगों के पास, तो उनमें से एक प्रकार ये भी है कि जिन्हें ज़्यादा नहीं सीखना है, सिर्फ इतना सा सीखना है, तो उन्हें हम लोग क्या जवाब दें एज अ टीचर और एज अ स्टूडेंट उन लोगों को क्या समझना चाहिए कि भाई कि तब भी क्या सीखना पड़ता है क्या नहीं सीखना पड़ता है। हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, शास्त्रीय संगीत का कलाकार नहीं बनना, लेकिन फिर भी हमें सीखना है, तो उन्हें क्या सीखना चाहिए, उन लोगों के लिए आज मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिनको कहीं ना कहीं ये भी लगता है छोटा सा क्रैश कोर्स हो जाए, ज़्यादा नहीं डिटेल का लेकिन छोटा मोटा कोर्स कुछ तो होता होगा, महीने दो महीने तीन महीने, क्योंकि जब उन्हें बताया जाता है कि इतना वक्त लगता है और ये सीखना पड़ता है तो वो बड़े अचंभे में आ जाते हैं। तो आज ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है, तो पूरा वीडियो देखिएगा और जानिए कि सिर्फ फिल्मी ही गाने गाने हैं या सिर्फ कैजुअली आपको सीखना है छोटी मोटी पार्टीज़ गैदरिंग्स के लिए तो क्या आपको आना चाहिए, क्या आपको सीखना चाहिए, किन बातों का आपको ख्याल रखना है। सुनी मैं हरी आवन की आवाज, सुनी मैं हरी आवन की आवाज। तो स्वर लय ताल ये तीन ऐसे स्तंभ हैं जो किसी भी प्रकार के संगीत के हैं, फिर भले वो शास्त्रीय संगीत हो, सुगम हो, फिल्मी हो, कव्वाली हो, गीत, गज़ल, भजन, वेस्टर्न, चाइनीज़, कर्नाटक, किसी भी प्रकार का संगीत हो, ये जो तीन चीज़ें हैं स्वर लय ताल, ये रूट हैं, ये जड़ हैं। स्वर यानी कि सुरीलापन जिससे जुड़ा हुआ है कि जो शब्द हम गाते हैं उसके पीछे की कुछ धुन चलती है, है ना। आप मेरे पास पहली बार आए हैं और आप चाहते हैं कि भाई हमें कुछ शौकिया सीखना है, सीरियस नहीं सीखना है, तो आप हमें सिखाइए, तो एक तरीका तो ये होगा कि मैं आपको ठीक है भाई आ जाओ एडमिशन ले लिया और वही सेम प्रोसीजर से एडमिशन लिया। और कई बार ये भी लोग कहते हैं कि भाई हमसे फिर उतनी फ़ी मत लीजिए क्योंकि हम उतना सीरियसली नहीं सीख रहे, हम तो टाइम पास के लिए सीख रहे हैं। तो फिर चलो कई लोग ये भी करते हैं कि ठीक है आप फिल्मी गाने वाली क्लास में हैं तो वो अलग कर देते हैं, शास्त्रीय की अलग कर देते हैं, है ना। यानी उन लोगों ने सिखाने में ही क्राइटेरिया बांट दिए हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। सिखाने वाला तो एक ही ढंग सिखाता है, बारीकियाँ जो ग्रामर है वो तो सिखाएगा ही, उसके बाद फर्दर शार्पनिंग है, जो कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ ढंग है दूसरे जॉनर को गाने का, वो उसे समझाने का फ़र्ज़ बनता है। जैसे मान लीजिए मैंने सीखा तो शास्त्रीय संगीत ही, मैंने कभी गज़ल, भजन, गीत इसकी अलग से क्लास नहीं ली, मैंने अपने गुरुओं से क्लासिकल ही सीखा, शास्त्रीय संगीत ही सीखा, और फिर गज़लें कैसे कैसे गाई जाती हैं उसके कुछ नुआंसेज उन्होंने मुझे बता दिए, भजन में क्या क्या भाव होगा या किस तरीके से गायकी होती है वो ज़रूर उन्होंने मुझे बता दी, या किसी भी और जॉनर का, कव्वाली का या फिल्मी का, कि भाई आज की तारीख के हिंदी फिल्मी गाने गाने होंगे तो उसमें क्या टेक्निक लगानी पड़ेगी, क्या थोड़ा सा आवाज़ का लगाव बदलेगा, वो ज़रूर उन्होंने बताया। लेकिन सिखाने की जो या सीखने की जो चीज़ें होती हैं वो शास्त्रीय संगीत की सेम ही होती हैं, सबको वही सीखना होता है, वही बेसिक ग्रामर है। शास्त्रीय संगीत भी अगर आप सीखने आए हो तो भी जो बेसिक ग्रामर रहेगा वो सेम रहता है। आप फर्स्ट डे से शास्त्रीय संगीत के कलाकार नहीं होते हो, आप तो संगीत के ग्रामर को समझने गए हो। भाई आपने अंग्रेज़ी सीखना शुरू किया तो अंग्रेज़ी के ABCD तो सभी को सीखने पड़ेंगे, फिर आप भली नॉवल राइटर बनो या पोम राइटर बनो, कुछ भी बनो, आप बोले नहीं मुझे तो कवि बनना है खाली, मैं तो कविताएँ लिखूँगा, कहानियाँ नहीं लिखूँगा, है ना, तो भी ग्रामर तो बेसिक आपको वही सीखना पड़ेगा कि नहीं। तो बाद में ये तय होता है और वो आपकी रुचि पर है कि आप आगे कैसे बदल लेते हैं उसे या उसके उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। ग्रामर आपको वही सीखना पड़ता है, वही व्याकरण, स्वर, लय, ताल। तो सुरीलापन यानी उन शब्दों के पीछे की जो धुन है वो धुन सटीक बैठे, एक सुर के बाद जो दूसरा सुर लगता है उस धुन में वो आपका भी वैसा ही लगे जैसा कि है, इसे हम कहते हैं सुरीलापन या सुर की समझ, ये आप में आ जाए। उसके बाद आ जाए लय, जो दूसरा स्तंभ बताया मैंने, दूसरा पिलर बताया ऑफ म्यूज़िक, कि जो टाइमिंग उस गीत की चल रही है वो टाइमिंग आपको समझ आ जाए, ना ज़्यादा स्लो हो जाए ना ज़्यादा फास्ट हो जाए। भाई आप अगर गा रहे हैं कि जाने कहाँ गए वो दिन, ये वाला सॉन्ग आपने चुना जो बहुत थोड़ा स्लो रिदम का है, तो ये आपको समझ आए कि उसकी चाल में आप टिकेंगे कैसे, उतनी गति को आप संभालेंगे कैसे,
या आपने कोई ऐसा जो थोड़ा सा फास्ट रिदम का कोई भजन आपने शुरू किया, जैसे कई बार आते हैं हमारे पास लोग कहते हैं कि हमें ज़्यादा कुछ नहीं सीखना, कुछ भजन सिखा दीजिए, थोड़े फास्ट रिदम के भजन हों, तो उनको ये समझाना पड़ता है हमें कि भाई पहले रिदम तो समझो, बाद में फास्ट रिदम के भजन आपको हम सिखाएंगे, है कि नहीं। तो लय के बारे में थोड़ी जानकारी। अच्छा, मैं वैसे भी ये मैं अपनी ज्याती बात बता रहा हूँ कि आप जब कोई मेरे पास आता है सीखने सिखाने सीखने के लिए कि भी मुझे सीखना है, अच्छा कई बार ये होता है शास्त्रीय संगीत सीखने तो बहुत ही कम लोग आते हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे ही आएंगे जो फिल्मी गाने सीखने आए हैं, वो तो हमें ही उन्हें कन्वर्ट करना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि फिल्मी गाने सीधे सीधे नहीं सीखे जाते, अगर सीधे सीधे सीखे जाते हैं तो आप रट्टू तोता बन जाते हैं। उन्हें समझाया जाता है कि स्वर साधो, लय साधो, ताल समझो, आपका गाना जिस रिदम साइकिल में चल रहा है वो टाइम पीरियड है क्या, आपको पता ही नहीं कि तबले पे बजता क्या है, इसीलिए तो ऐसे आधे अधूरे लंगड़े लूले गायक पैदा होते हैं, माफ़ कीजिएगा मेरी भाषा के लिए, लेकिन हाँ यही हो जाता है कि वो लंगड़े लूले गायक होते हैं कि उन्हें अता पता कुछ भी नहीं है कि तबले पर बज क्या रहा है, हारमोनियम पर क्या बज रहा है। फिर कई बार ये होता है कि हमारा गला नहीं चल रहा, हम कैसे सुर को ऊपर नहीं जा रहा, नीचे नहीं आ रहा स्वर, तो फिर उसको पता ही नहीं कि गाने का पिच भी बदला जा सकता है, या कभी इतने जल्दी जल्दी ये शब्द बोले नहीं जा रहे, उसे पता ही नहीं है कि गाने की रिदम भी स्लो की जा सकती है कि नहीं, या वो जो शब्द वो बोल रहा है उनके न भाव न अर्थ कुछ भी नहीं पता है, बस तोते की तरह रटा हुआ बस वो बोले जा रहा है, जैसे कि एक बंदर हूबहू आपकी नकल कर लेता है, उसी तरह से आपने, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति है तो हमने वही कर दिया, नकल कर दी, है ना, तो बिना अक्ल लगाए, लेकिन ये दिक्कत पड़ती है। तो इसीलिए हम हर किसी को यही सलाह देते हैं कि पहले बेसिक ग्रामर जो है वो सीख लो। अब बेसिक में क्या क्या आता है, हर कोई ये बोलता है ना कि भाई बेसिक सीख लो, बेसिक सीख लो, या बेसिक सीखना है, बेसिक में क्या क्या आता है, तो सबसे पहले तो स्वर की समझ, यानी सात जो स्वर हैं वो कहाँ कहाँ हैं, उनकी ऊंचाई नीचाई कैसी है, उनका अगर कोमल बनाएंगे तीव्र बनाएंगे तो कैसे बनता है, है ना, जितने प्रकार हैं स्वर के वो एक बार समझ लो। उसके बाद भले ही आप वेस्टर्न म्यूज़िक गाओ, आप फिल्मी गाओ, गज़ल गाओ, ठुमरी गाओ, टप्पा गाओ, दादरा गाओ, कुछ भी गाओ, कव्वालियाँ गाने लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बेसिक ग्रामर थाट सीख लेना, जिसे हम कहते हैं कि पहले स्वर सीखे, उनके कुछ अलंकार सीखे, फिर उन्हें विभिन्न थाटों में सीखा, उसके बाद अलग अलग पिच की नॉलेज भी ले ली कि ये पहली काली, दूसरी काली, तीसरी काली, ऊंचा नीचा, अपना सुर पता चल गया इससे कि अच्छा मेरे गले का सा क्या है, वो पता चल गया, है ना, कि भाई मैं अब तक ऊंचे ऊंचे गाने गाता था जो मुझसे गवते ही नहीं थे क्योंकि वो मेरे सुर के रेंज से बाहर थे, तो वो पता करना कि मेरा पिच क्या है वो पता चल जाता है। तो स्वर में क्या क्या सीखा आपने, अलंकार या पलटे, फिर आपने उनको अलग अलग थाटों में समझा। अच्छा, अलंकार भी ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा एडवांस में आप जाओ, कुछ बेसिक अलंकार आप सीख लो जो सरल सरल हैं, जिससे आपको स्वर ज्ञान होता हो, उसके बाद आप उनको अलग अलग थाटों में करके देख लो कि विभिन्न थाटों में, फिर आप अलग अलग पिचेस से करके देख लो कि ये है, और अगर कोई यंत्र आप सीख रहे हो साथ में, यानी कि हारमोनियम अगर आप सीख रहे हो तो बात अलग है कि हारमोनियम सीखा है तो आपको पता है कि ओके यहाँ से भी बजाना है, वहाँ से भी बजाना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि गायन और वादन दो अलग अलग विषय हैं, हारमोनियम स्वर के ज्ञान के लिए ही सीखने की आवश्यकता है आपको। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं तो प्रोफेशनली हारमोनियम बजा के गज़ल गाऊँ या भजन गाऊँ, उसके लिए आपको हारमोनियम का अभ्यास अलग से करना पड़ेगा, है ना, वरना आपको गायन में स्वर ज्ञान के लिए जितनी ज़रूरत है वो बहुत बेसिक हारमोनियम है, वो कोई भी कर सकता है, यानी थोड़ा बहुत बजा लिया। अब कई बार ये लोग कहते हैं ना कि अरे अच्छा मुझे तो गाना सीखना है तो हारमोनियम ख़रीदना पड़ेगा क्या, कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगेगा, तो तानपुरे से भी हो जाता है काम, इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा आजकल आता है, फ़ोन में आता है, मोबाइल एप्लीकेशन है, उससे हो जाएगा, लेकिन उससे ये दिक्कत पड़ती है कि एक बार में सुर समझ नहीं आते, है ना, और जब आप हमारे सामने बैठ के कर रहे हो तब तो सुर में रियाज कर रहे हो क्योंकि हम टोकने वाले हैं, घर में कर रहे हो तो गलत कर रहे हो, तो घर में कर सको इसीलिए हारमोनियम होता है कि आपको बताता रहेगा, नहीं भी बताएगा तो एटलीस्ट उसको सुन सुन के आप सही ही गाओगे, गलत नहीं गाओगे, ठीक है, तो हारमोनियम लेना पड़ता है। तो स्वर में तो अलंकार आ गए, पलटे आ गए, थाट आ गए, अलग अलग पेज आ गए, उसके बाद आप आते हो लय, तो लय के भी कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं वो एक बार समझ लो कि टाइमिंग में ताली कैसे लगाई जाती है, अगर तबला चले या मेट्रोनोम चले उसके साथ ताली कैसे लगाते हैं, ताल क्या होती है, स्पीड वेरिएशन क्या होते हैं, दो गुना चार गुना क्या होता है, ये जो बेसिक है ये सभी को करना पड़ता है। आप ये बोलें कि नहीं मुझे तो शास्त्रीय संगीत सीखना नहीं, आप कहाँ ये लय ताल में और स्वर में उलझा रहे हैं, तो शास्त्रीय संगीत की जो लय तालें होती हैं वो बहुत टिपिकल होती हैं, वहाँ तक तो कोई नहीं ले जाता है आपको कि कभी किसी ने डेढ़ गुना करने को बोल दिया हो, आठ गुना करने को बोल दिया हो, इतना तो कोई नहीं करवाता, बेसिक ठा दुगुन चौगुन करवाते हैं, वो तो फिर भी हम लोग गहराई में ले जाते हैं क्योंकि वो ज़रूरी है। जितना क्लिष्ट शास्त्रीय संगीत की गहराई में जाओगे उतना दिमाग का स्तर बढ़ेगा, और स्तर बढ़ने के बाद खुद ब खुद हर चीज़ संगीत में सरल लगने लगेगी क्योंकि स्तर बढ़ गया ना। एक बार भैया आपकी समझ ही बढ़ गई तो फिर मुश्किल चीज़ समझने में आपको आसानी ही तो होगी,
है ना, तो ये हो जाता है। तो आपने वो लय समझी, फिर कुछ बेसिक तालें आप समझ लो, एटलीस्ट वो तालें तो आप समझ ही लो जो जिनमें आप गाते हो, दादरा, रूपक, कहरवा, झपताल, तीन ताल, एक ताल, ये कुछ प्रचलित ताल हैं। अब झपताल, एक ताल, तीन ताल हमेशा शास्त्रीय संगीत में ज़्यादा इस्तेमाल होती है भाई, पुराने फिल्मी गीतों में कभी कभार इनमें से किसी का इस्तेमाल भी हुआ है, लेकिन आजकल के फिल्मी गीतों में तो बिल्कुल नहीं है। तो चलो इनको आप अवॉइड करने की कोशिश करते हो, लेकिन इन्हें अवॉइड मत करो, ये सारे छंद हैं। बेसिक छंद समझ लेने से लय बैठ जाती है, लयकारी बैठ जाती है, लय में पक्कापन आ जाता है। तो ये है वो बेसिक जो आपको आना ज़रूरी है। फिर लोग कहते हैं कि क्या राग भी सीखनी पड़ेगी, राग तो शास्त्रीय संगीत हो जाती, राग नहीं सीखेंगे भाई हम, तो हमको इतना आ गया, अब गाने बताओ हमें आगे के, है ना। अब ये बेसिक कोर्स करने में कम अज़ कम आपको, बहुत अगर कम से कम बताऊं तो 6 से 8 महीने तो लगेंगे ही, और वो तब बोल रहा हूं जब आप रेगुलर सीख रहे हो। रेगुलर सीख रहे हो तब 6-8 महीने में होगा, यानी रोज़ाना का अभ्यास और रोज़ाना की क्लास। वरना मान लो हफ्ते में 2 दिन आ रहे हो तो ये मान के चलो गया 1.5 साल आपका, और तब तक भी बेसिक क्लियर नहीं होंगे आपको, है कि नहीं। रोज़ाना की बात बता के मैंने आपको जल्दी से जल्दी और कम से कम कह दिया, 6 से 8 महीने में इतना बेसिक होता है। उसके बाद कुछ और पलटे, कुछ और अलंकार आप करते हो, रियाज की चीज़ें आपको जानने को मिलती हैं। कई बार फिर ऐसे लोगों का ये भी सवाल होता है कि हमें रियाज़ कितना करना चाहिए, क्योंकि हम तो शौकिया सीख रहे हैं, हमें नहीं करना भी 8-8 घंटे का रियाज़, भी हमने तो सुना शास्त्रीय संगीत में होता है, हमें नहीं करना उतना, हमारे पास तो ले दे के 1 घंटा है दिन का। तो फिर उन्हें समझाया जाता है कि चलिए एटलीस्ट 2 घंटा तो आप निकालिए दिन के, किसी भी विषय के लिए 2 घंटे तो लगते हैं, टाइम पास भी करना हो तो भी 2 घंटे कर लेते हो आप तो, हैं, खेलना कूदना घूमना करना उसमें भी 2 घंटे लगते हैं, 1 घंटे में वो भी नहीं होता है। तो ये तो फिर सीखने की बात हो रही है, यहाँ पे शास्त्रीय संगीत की बात हो रही है या संगीत की बात हो रही है। तो कम से कम सवेरे का रियाज जो सूर्योदय से पहले वाला है, गले की एक्सरसाइजेज वो कर लीजिए, ओम का रियाज, सा का रियाज, अलंकार का रियाज, वॉइस रेंज का रियाज, ये बहुत बेसिक एक्सरसाइजेज हैं, इसमें कोई शास्त्रीय संगीत की बहुत गहरी जानकारी होने की कोई आवश्यकता नहीं, बहुत बेसिक रियाज है ये। ये बड़े वाले रियाज तो बहुत बाद में आते हैं, मूर्छना के रियाज, मेरखंड के अलंकार, पलटे, जटिल पलटे हैं, या कूद कूद के लगाने वाले स्वरों के अलंकार, ये तो बहुत आगे की चीज़ें हैं, ये तो हम आपको बता ही नहीं रहे हैं कि कैसे रागधारी का रियाज होता है, वो सब नहीं करवा रहे हैं आपसे, बहुत बेसिक रियाज है ये जो सब लोगों को करना आवश्यक है। इट इज़ जस्ट लाइक रेगुलर एक्सरसाइज भैया, जिम आप हैवी वर्कआउट भी कर सकते हो, और शुरुआत में करते हो तो बेसिक स्ट्रेचिंग तो सब करते हैं, सूर्य नमस्कार तो सब लगाते हैं, हैं, हाथ पांव पीटी तो सब करते हैं, ये तो सबको आवश्यक है। तो ये उसी तरह से हमारी संगीत की एक्सरसाइजेज हैं कि ये आनी ही बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती है तो अंग्रेज़ी का लिटरेचर जो है, विलियम शेक्सपियर वाली बातें आपको बाद की बातें हैं, शुरू के ABCD तो सब सीखते हैं, हैं, टेंस टाइम क्या होता है वो तो सब सीखते हैं, वाक्य निर्माण तो सब सीखते हैं, उसी तरह से संगीत का व्याकरण है, आपको सीखना बहुत आवश्यक है अगर आप गाना गाना चाहते हो तो, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो बेसिक ग्रामर। अब राग में भी अगर आप जाओ तो बहुत बेसिक से बेसिक भी, कम से कम भी सीखो ना तो भी 10 रागें ज़रूरी हैं, क्योंकि यही वो 10 हैं जो जन्मदाता हैं आगे आने वाली सभी रागों को। तो भले ही 11वीं मत सीखो, लेकिन कम से कम 10 तो सीख लो, है ना। और वो यही 10 थाट जो हैं उन्हीं पर आधारित ऐसी ही रागें होती, वही 10 थाट हैं, वही 10 राग हैं, वही बिलावल, भैरवी, कल्याण, पूर्वी, मारवा, तोड़ी, खमाज, आसावरी, भैरवी, भैरव, ये जो हैं यही आपके राग भी बनते हैं, यही थाट भी बनते हैं। इतना सिलेबस एटलीस्ट बेसिक सिलेबस है, ये कम से कम आपको आना चाहिए, है ना। और ये अगर राग ऐड कर ली तो ये 6 महीने के 1.5 साल आप मान के चलो कि हो गई, और अगर सारी रागें 10 तो करोगे तो कम से कम 2 साल मान के चलो। ये इतना तो करना पड़ता है सीखने के लिए, तब जाके फिल्मी गाने भी अगर आप शौकिया तौर पे गाते हो तो अच्छे गाते हो। अच्छा, अब इसमें घबराने वाली बात नहीं है, आप बोलो अरे मतलब 2 साल के बाद हम गाना शुरू करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, गाना साथ साथ में ही चल रहा है। अब रोज़ रियाज़ कर रहे हो, रोज़ थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीख रहे हो, रोज़ गा रहे हो, ये एक्सरसाइजेज आपकी प्रेजेंटेशन में असर कर देंगी और वृद्धि कर देंगी, आपको पता भी नहीं पड़ेगा कब कब आपके फिल्मी गानों में बात अलग हो गई, ये पता नहीं चलेगा। वरना लोग क्या बोलेंगे, यार तुम्हें तो 6 महीने हो गए सीखते सीखते, कुछ सुनाओ। तो आपने क्या किया, एक नया भजन सुनाया जो आपने एक नई जगह पर सीखा था, लेकिन दिक्कत क्या हुई, ये यंत्र तो वहीं का वहीं है, ये वहीं की वहीं है जैसी थी। तो बोलेंगे यार 2 महीने हो गए तुम्हें सीखते सीखते, कुछ फ़र्क तो लगा नहीं इस भजन में, वैसे ही तो गा रहे हो। लेकिन ये ग्रामर सीखने के बाद जब दिमाग और गले का स्तर बढ़ जाएगा, तब पुरानी भी चीज़ें गाओगे किसी के सामने तो सामने वाला बोलेगा हाँ लग तो रहा है कि ये सीखा हुआ गला है, लग तो रहा है कुछ तो फ़र्क है, ये भजन जब तुम पहले गाते थे तो ऐसा नहीं हुआ करता था। बस इतनी सी बात है कि ये छोटा सा ग्रामर पोर्शन सीख लेने से ये एक फ़ायदा हो जाता है कि पुरानी चीज़ों में भी वृद्धि हो जाती है, है ना, सुहागा हो जाता है, आप सोना बन जाते हो, ठीक है।
बस इतनी सी बात थी, बाकी कोई ख़ास क्रैश कोर्स नहीं होता, ये सारी चीज़ें सीखने की होती हैं। फिर जो शास्त्रीय संगीत के कलाकार बनना चाहते हैं वो तो डिटेल में जाते ही जाते हैं, वो फिर विलंबित ख्याल, छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, ध्रुपद, तराना, धमार, ये सब सीखते हैं। जो शास्त्रीय संगीत की गूढ़ बातें हैं, जो बहुत डिटेल बातें हैं, उनमें अगर आप नहीं भी जाओ तो इतना बेसिक तो आना चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से ये सारी बातें क्लियर होंगी। और ये चीज़ें अगर आपको सीखनी हैं तो ऑनलाइन क्लास की डिटेल्स तो मैं स्क्रीन पर दे ही रहा हूँ, ये नंबर है, इस पर जुड़िए और रेगुलर क्लास ज्वाइन करिए, तब जाके कुछ होगा, है ना। घबराइए मत, शुरू करने की देर होती है फिर काम हो जाता है अपने आप ही। शुक्रिया।